नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी से है, जहां बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला प्रवक्ता प्रहलाद मेघवाल ने बताया कि भाजपा प्रदेश निर्देशानुसार भाजपा प्रदेश मंत्री के विश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के खिलाफ बिजली की बढ़ी हुई दरों, किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता आदि समस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी बीरमाराम चौधरी को राज्यपाल का नाम ज्ञापन सौंपा। हल्ला बोल कार्यक्रम स्थानीय डाक बंगला परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री के विश्नोई ने बताया कि पूर्ण कर्जा माफ 2,10,000 के चक्कर में 13,600 कृषि अनुदान की गवाह पर बैठे, साथ ही साथ इस कांग्रेस सरकार में पुलिस प्रशासन पर भी 188 बार अपराधियों द्वारा हमला हो चुका है। लाइट बिल में 833 की सब्सिडी खत्म कर दी गई। इस प्रकार आने को किसानों पर दिनों दिन अत्याचार करवा कर सरकार किसानों पर दबाव डाल कर किसानों को मजबूर कर रही है। पुरुषोत्तम जैन जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बालोतना ने बताया कि कांग्रेस सरकार मैनिफेस्टो न चलकर किसानों पर अतिरिक्त कर्ज बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर रही है। कार्यक्रम में गुड़ामलानी प्रधान बिजला राम चौहान, आडेल प्रधान प्रतिनिधि नंगाराम बेनीवाल, मंडल अध्यक्ष अमराराम बेनीवाल, मोनराम सियोल, पूर्व जिला परिषद सदस्य बाबूलाल मांझू, मंडल महामंत्री दुर्गादास वैष्णव, बाबूलाल जाटोल, आसुराम भील, जेठाराम भक्त, उप प्रधान प्रतिनिधि खेताराम सियोल, माधव सिंह बांटा, उमाराम जाखड़, गणेश सारण, जयकिशन गांधव सहित आसपास गांवों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुड़ामलानी से जोगिंदर आचार्य की विशेष रिपोर्ट। अपने बीच में पधारे हुए अपने पार्टी के प्रदेश के संगठन के मंत्री, पूर्व जनप्रतिनिधि और मेरे विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथ होगा तब जाके अपने को इससे मुक्ति मिलेगी। अल्लाह बोल कार्यक्रम में सरकार उस टाइम तो ये बहुत बड़े उन्होंने वादे किए थे, अब वो गूंगी और बहरी सरकार बन के रह गई है।